उसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन देख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें ए क्या है, वन, बी क्या है, टू, ठीक है, और ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी ए बी है उसको किस में चेंज करना है, वन माइनस वन, वन इंटर वन, वो कैसे चेंज होगा, एक्स इक्वल टू दिस, ये पता ही है तुम्हें। बी क्या है, टू, ए क्या है, वन, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, टू माइनस वन बाई टू, टी प्लस टू प्लस वन बाई टू, ये आ गया थ्री, तो ये आ गया टू टी बाई टू प्लस थ्री बाई टू, तो एक्स इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। सो तुम्हारा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टी प्लस थ्री बाई टू, एलसीएम ले लो, टू आ जाएगा, ठीक है, टू टी प्लस थ्री बाई टू। अब डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स विल बी डी टी बाई टू। अब एक्स की जगह यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करना है, और डी एक्स किस प्लेस पे, डी एक्स बाई डी टी बाई टू, ठीक है, यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया इसको, ठीक है। अब इंटरवल पहले वन से टू था, अब माइनस वन से वन हो गया, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देख लो, जैसे एक्स एक्स इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करेगा, वन, तो व्हेन व्हेन यू सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू वन, तो तुम्हारी टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, ठीक है, और व्हेन एक्स इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा फोर, फोर माइनस थ्री वन, ठीक है, टी इक्वल टू वन, तो इसी बेसिस पे ये बनाया गया है। तो उसके बाद क्या है, तुमने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक, ये अब तुम्हारा एफ एक्स बन गया। अब वन पॉइंट में क्या होता है, वन पॉइंट में, वन पॉइंट इज नथिंग बट माइनस वन टू वन एफ टी डी टी है, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो, ठीक है, ये होता है। अब मीन्स टी की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, जीरो, टी की प्लेस पे यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट कर दोगे तो जो भी आंसर है वो फाइनल आंसर हो गया, ठीक। वो तो था वन पॉइंट। टू पॉइंट में क्या होगा, वही आई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री, ठीक है। सो मीन्स एक्स की प्लेस पे ये तुम्हारा एफ टी है, ठीक है, यहाँ पे टी की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, माइनस वन बाई रूट थ्री, यहाँ भी यहाँ भी, तो तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक। टी की प्लेस पे वन बाई रूट थ्री सब्सटीट्यूट कर दिया, दोनों को इवेल्यूएट किया, कैलकुलेटर से कर लेना, ये दोनों आ जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। टू पॉइंट में बस केवल फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया। थ्री पॉइंट पे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हो, वन बाई नाइन टर्म्स ऑफ दिस, ये तुम्हारा एफ एक्स एफ टी है, टी की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, माइनस रूट थ्री बाई फाइव, यहाँ पे भी माइनस रूट थ्री बाई फाइव, होल रेस्ट ऑफ फोर जो भी है, प्लस एट टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो, अब जीरो सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ, ठीक है, जीरो हो गया, प्लस फाइव टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, रूट थ्री बाई फाइव सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट करने के बाद तुम्हारा इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, जैसे इवेल्युएट कर दो, जो भी है आंसर, फाइनल आंसर आ गया, खत्म।